आइए आगे का सेशन मॉडरेट होगा आप ही के माध्यम से, मीडिया का धर्म, खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल 2020। नमस्कार, खजुराहो के इस बहुप्रतीक्षित जो सेशन है उसमें आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जाने माने लोग हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन मुद्दा गर्म है। मीडिया और धर्म, ये एक ऐसा विषय है जो आपको सांच भी देगा और आँच भी देगा, और हमारे साथ तमाम हम मीडिया साथ लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ धर्म आप लोग साथ लेकर आए होंगे। धर्म, धर्म वेग देता है आवेग नहीं, धर्म गति लाता है दुर्गति नहीं। धर्म मानने का विषय है मनवाने का नहीं, धर्म तारने का जरिया है मारने का नहीं। धर्म जागृत की राह है भ्रमित की नहीं पतित की नहीं। धर्म, जैसा कि अभी बताया कि धर्म यानी वही धारण करने योग्य जो सबसे उम्दा, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत आचरण है वो धर्म है, और इस वजह से जो भी पंथ हैं, जो भी सांप्रदाय है उसमें मानवता का जो धर्म है उसी को सबसे ऊपर माना गया है। लेकिन अब इसे विडंबना कहिए, त्रासदी, मौजूदा वक्त में जितनी भी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उन सब की धुरी में कहीं ना कहीं धर्म ही है। हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जी हैं, टीवी पत्रकार रहे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, अब फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं। प्रियंका देव जी हैं, जो सोशल मीडिया पर वो जो पहलू जिनको कहते हैं कि मीडिया में दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं उनको बखूबी उजागर करती हैं। समीर अब्बास TV9 का एक जाना माना चेहरा हैं और 2 दशकों से वो मीडिया में सक्रिय हैं, और समीर ना सिर्फ TV पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रहते हैं, या यूं कहिए निशाने पर। प्रणय उपाध्याय हैं हमारे साथ, ABP News का जाना माना चेहरा हैं, प्रिंट अखबार रेडियो से लेकर अब आप उनको TV पर देख रहे हैं। 20 वर्षों का इनका भी करियर है और खासतौर पर विदेशी मामलों के जानकार हैं, और विदेशी नीति से संबंधित जो भी खबरें होती हैं उनमें जो विश्वसनीयता का पैमाना होता है वो प्रणय उपाध्याय को ही माना जाता है ABP के में। प्रखर श्रीवास्तव हैं, NDTV से लेकर Zee News तक, सहारा समय से लेकर India TV तक, वहाँ पर ये 2 दशकों तक रहे, यानी आप वो दो दशकों में जो जितने भी बदलाव हुए हैं और अब खासतौर पे हम मान रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है मीडिया में, उन सब के वो साक्षी रहे हैं। हमारे साथ स्वाति जी हैं, तो अब इन सबको आप इस चर्चा में सुनेंगे, मीडिया का धर्म आखिर है क्या, क्या है, क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। आलोक जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करूँगी क्योंकि आप उस नाव में सवार भी हो चुके हैं और अब आप दूर से बैठे उस नाव को ताक भी रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है मीडिया का धर्म? सबसे पहले तो आप सबका इस गुनगुनी शाम में स्वागत है मंच की ओर से, और खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक महोत्सव, मुझे रह रहकर मजरू साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हाँ, ये आप सब करते रहिए बीच में, इससे थोड़ी हम लोगों को गर्मी मिलती रहेगी क्योंकि ये विषय गर्म है। सबका परिचय प्रमीला दीक्षित जी ने कराया, और मेरा मीडिया के धर्म से पहले मंच के पत्रकार होने के नाते ये धर्म बनता है कि मैं अपनी सहयोगी जो प्रमीला दीक्षित यहाँ मौजूद हैं, जो मॉडरेट कर रही हैं इस सेशन को, उनका तारुफ, उनका परिचय करा दूं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज तक में हमने बहुत लंबा समय इनके साथ काम सीखते हुए गुजारा है। तो देखिए, मैं बात एक बड़े व्यक्तिगत से अनुभव से शुरू करूंगा और उसके लिए मुझे अपने कॉलेज के दिनों में जाना पड़ेगा। विदिशा और भोपाल, जहाँ से मैं आता हूँ और मीडिया में काम करता हूँ पिछले 15-20 साल से, तो हमारे कॉलेज के दिनों की बात है। और ये व्यक्तिगत जो अनुभव है ये आज की घटना से बहुत संबद्ध है, मुझे समझाने में सहूलत होगी, आपको समझने में सहूलत होगी। तो कॉलेज के दिनों में जैसे ग्रुपिज्म होते हैं, जैसे संगठन होते हैं, ऐसे हमारे भी संगठन थे। अब मैं किस संगठन से था ये बताकर मैं अपनी अपने प्रो उसको जाहिर नहीं करना चाहता। मैं अब जिस पेशे में हूँ वहाँ ये जाहिर करना कि मैं किस तरफ था ये बेमानी ही होगा।
तो हुआ यूं कि जब फर्स्ट ईयर में हमारा सेशन शुरू हुआ तो कुछ वैचारिक मतभेद के रहते दो गुटों में बड़ा संघर्ष हो गया, और संघर्ष ऐसा ही हुआ जैसा आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हुआ। ज़्यादा का एक निशान मेरी आईब्रो पर भी है कि सामने वाले मित्रों ने डस्टर फेंक कर मारा जो मेरे यहाँ आया और तीन टांके आए। ये पूरा का पूरा जो संघर्ष था ये वैसा ही था जैसा संघर्ष अभी अभी आप लोगों ने टीवी पर देखा। बहुत मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो आप सबके जहनों में है। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। लेकिन जब दूसरे दिन अखबार आया तो उस अखबार की हम उस खबर को ढूंढते रहे तो जो हमारा आंचलिक चार परिशिष्ट होते थे उसमें से एक परिशिष्ट में कॉर्नर में चार नंबर पेज पर, जिसे हम प्रिंट में एक कॉलम और 10 सेंटीमीटर कहते हैं, वो खबर लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था जैन कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में संघर्ष, तीन घायल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। शहर में निकले हम कि हमें बड़ी सिंपैथी मिलेगी, हमको बहुत पूछा जाएगा कि क्या हुआ कैसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कट टू 25 ईयर्स, जब हम टीवी में काम करते हैं हम ये देखते हैं कि एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में या एक शहर के किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में दो गुटों के बीच संघर्ष होता है। मैं गलत सही के फैसले पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ दृश्य दिखा रहा हूं। और अचानक से वो इतना बड़ा हो जाता है, जो एक जरिया है मीडिया, उसके जरिए वो मीडिया जो 25-30 बरस पहले हमने देखा जिया था, जहां एक कॉलम में वो खबर थी कि जैन कॉलेज के दो गुटों छात्रों के दो गुटों में संघर्ष, तीन घायल, आज जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा देश जल रहा है, पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहां तक कि वो एक संघर्ष जो दो गुटों में हुआ या छात्रों की दो विचारधाराओं में हुआ, उस संघर्ष की जो प्रतिध्वनियां हैं वो देश के दीगर विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और कोनों से निकलने लगती है। प्रश्न यहां ये खड़ा होता है कि दो गुटों के बीच हुआ संघर्ष मीडिया के जरिए, वैचारिकता के जरिए अचानक से देश की समस्या कैसा हो गया, कैसे हो गया? तो मुझे जहां ये लगता है कि क्या ये जो एक संचार का माध्यम है, क्या ये अपने धर्म का सही निर्वहन कर रहा है कि जब ये एक कॉलम और 10 सेंटीमीटर में खबर देता था, आज एक सेंसेशन की तरह हम उस खबर को फैलाते हैं और पूरे मुल्क में, पूरे देश में उसका एक, जबकि अगर आप उसको बहुत ही, अगर हम लोग दिन में एयरपोर्ट पर बात भी कर रहे थे आपस में कि अगर आप देखें कि वो कुल जमा लोग कितने हैं जो उस फाइट में मुब्तला हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे कि दिल्ली की एक जो सबसे छोटी कॉलोनी है, उस सबसे छोटी कॉलोनी की एक जो सबसे छोटी गली है, उसमें जितने मकान हैं, उस मकान के आधे लोग भी वो नहीं है जो वो फसाद कर रहे हैं। आलोक जी ने प्रसंग संदर्भ समेत व्याख्या कर दी। तो मैं बस अंत में यही कहूंगा कि इस चीज को, मीडिया को, जो आपका सब्जेक्ट भी है मीडिया का धर्म, मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत संजीदगी से समझना होगा आज के मीडिया को, क्योंकि ये बहुत तेज है। ये सोशल मीडिया पे तेज है, ये टेलीविजन पर तेज है और ये मोबाइल्स में तेज है। इस समय मीडिया का सबसे बड़ा धर्म ये है कि अगर दो समूह, दो विचारधाराएं फाइट कर रही हैं तो वो देश की समस्या नहीं हो सकती। वो आप उसको शहर जलना नहीं कह सकते, आप उसको देश में ये हो रहा है और देश तबाह हो रहा है, किधर जा रहा है, ये आप नहीं कह सकते। मुझे लगता है मीडिया को यहाँ पे एक अपने धर्म का निर्वहन करते हुए उस संतुलन को बरकरार रखना चाहिए जो आज से 25-30 साल पहले मैंने कहीं एक लाइन में पढ़ा था कि छात्र के दो गुटों में संघर्ष, तीन घायल। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणय जी, आपसे भी यही सवाल है, आपको क्या लगता है, आपकी नजरों में क्या है धर्म? देखिए, जैसे बातचीत शुरू हुई थी, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, और शायद धर्म जैसा शब्द दुनिया की किसी शब्दावली में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे मैं धारण करता हूँ वो मेरा कस्टमाइज है, जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे नाप के हैं, जो समीर के कपड़े हैं वो समीर के नाप के हैं, और
हर व्यक्ति का मॉरल कंपास क्या है, ये उससे उसका धर्म तय होता है। और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका मॉरल कंपास क्या है। मीडिया शब्द है यानी माध्यम, आप माध्यम है। मैं सवाल माइक लेके जाता हूँ, सवाल पूछता हूँ, वो सवाल पूछने का अधिकार मुझे दिया है उन लोगों ने जिनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जो मुझे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो ओपिनियन बनाना चाहते हैं, जो ओपिनियन जिनका बना हुआ है लेकिन वो उसकी पुष्टि चाहते हैं। और मैं अपनी बात को तथ्यों के आधार पर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और बाकी लोगों के कथनी में एक ही चीज़ का अंतर है और वो है साख का अंतर। यदि मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी है, साख जुड़ी है, और वो साख जो है वो तथ्यों की सीढ़ी पर खड़ी होती है। और यहीं से सारा धर्म का मामला शुरू होता है कि मीडिया के नाते मेरा धर्म क्या है। लेकिन इस सारी बहस के अंदर ये सारा एक लड़ी में चला आ रहा था, ये अचानक से ये सवाल क्यों खड़ा हुआ कि मीडिया का धर्म क्या है, धर्म और मीडिया क्या है, धर्म के मामले पर मीडिया क्या है। ये सारा सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि हम जिस धारा के अंदर, ये एनालॉग से डिजिटल के बीच का अंतर है प्रमिला, और ये अंतर ऐसे आया कि पहले हमारे न्यूज़ रूम में तय होता था ये खबर होनी चाहिए जी। हम तय कर देते थे इस खबर को ऐसे दिखाया जाना चाहिए और जनता दूसरे दिन वही चीज़ें देखती थी। हम लोगों ने अखबार से दूरदर्शन से सैटेलाइट चैनल्स का ये पूरा ट्रांजिशन देखा है। लेकिन बहुत लंबे अरसे तक खबरें तय की जाती रहीं, कौन सी खबर दिखाई जाएगी नहीं दिखाई जाएगी एडिट रूम्स में एडिट कन्वीनियंस के साथ तय कर लिया जाता था, बहुत सारे टैबूज थे। लेकिन जब जनता ने अपनी फ्रीडम को अनुभव किया सोशल मीडिया के एडवेंट के साथ में, तो तब वो दरवाजे खड़खड़ाने लगे, कहने लगे कि ये चीज़ आपने ऐसे नहीं दिखाई। क्योंकि तथ्यों में भी अगर आप सेलेक्टेड तथ्य बताएंगे तो कथन, स्टोरी, नैरेटिव पूरा चेंज हो जाएगा। और यही धर्म आता है कि आप तथ्यों को किस तरीके से दिखा रहे हैं, कितने तथ्य दिखा रहे हैं और कितनी तरफ के तथ्य दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है और ये किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी स्टोरी में कितना डिग्री तक कितने तथ्यों को लेता है और कितने विषयों को समेट पाता है, क्योंकि वो तस्वीर को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, वो तस्वीर का रंग रूप और चेहरा बदल देते हैं। देखिए, सभी लोग यहाँ मीडिया से हैं और विषय जो है मीडिया का धर्म होना तो ये चाहिए, सभी को इस बात से इत्तेफाक रखना चाहिए कि मीडिया का धर्म क्या है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर वही बात है, असहमतियों का जश्न मना रहे हैं कि हाँ सबकी अलग अलग राय हो सकती है, तो समीर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी नज़र में क्या है धर्म। देखिए, धर्म मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत शब्द है पहले तो ये, और जो मुझे लगता है वो ये कि जो इस देश का धर्म है वो इंसानियत का धर्म है और वही मीडिया का भी धर्म है, इसमें किसी को कोई शक और शुभा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल उठता है तो उसका जवाब मेरे हिसाब से यही है कि ख़ास तौर पर आज के मीडिया में जो बदलाव हम देख रहे हैं और जो 20 साल पहले हमने किया है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जैसा कि प्रणय ने कहा कि पहले हम तय करते थे कि ये खबर जानी है, ये अखबार में छपेगी दूसरे दिन क्योंकि मीडिया ने उसे दिखा दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा बदलाव सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं। जो न्यूज़ रूम में बदलाव न्यूज़ रूम के माहौल में आया है, उसके पीछे एक सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। अब कोई खबर दबाई नहीं जा सकती, सबसे बड़ा बदलाव ये है। जो दो गुटों में संघर्ष की कहानी आलोक भाई ने बयां की, ये मीडिया में जब आज से 20 साल पहले हम लोग करियर अपना शुरू कर रहे थे तो ये जर्नलिज्म के सिद्धांत के तौर पर हमें बताया जाता था कि अगर किसी दो मज़हब के मानने वाले लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ है तो हमें ये नहीं कहना है कि ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब टीवी पर जो खबर चले उसका इंतज़ार नहीं करना है, अखबारों में जो खबर छपे उसका इंतज़ार नहीं करना है, सोशल मीडिया पर हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपनी राय रख रहा है, तो ये बातें छुपाई नहीं जा सकती हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, अफसोस है इस बात का, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें न्यूज़ रूम के माहौल को भी प्रभावित कर रही हैं। मैं ये मुझे आप सबके सामने ये मानने में कोई शंका नहीं हो रही, और मैं ये मानूंगा कि वो कहीं ना कहीं न्यूज़ रूम के माहौल को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास वैसे ही होना चाहिए जैसे
मीडिया में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको होना चाहिए, वैसे ही सबको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हम सब कुछ सिर्फ ये सोच कर कि ये मीडिया का धर्म है, मीडिया ही ऐसे करेगा, मीडिया ही नैरेटिव सेट करेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैरेटिव सेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का धर्म जो है वो उसे निभाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, कलेक्टिवली करना होगा, तभी जिस माहौल को लेकर हम सब चिंता जाहिर करते हैं, हम सब चिंतित हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा तो हमारा देश नहीं है, हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क हैं, हम तो हमारी जो ताकत है वो यही सबसे बड़ी ताकत है कि हम सब साथ मिलकर रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं, यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और यही पूरी दुनिया में हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये जिम्मेदारी अकेले मीडिया की नहीं हो सकती, ये जिम्मेदारी कलेक्टिवली सबको लेनी होगी और तभी मुझे लगता है कि इस माहौल में थोड़ा सा बदलाव आएगा, जिसकी हम सब उम्मीद भी करते हैं। आई थिंक प्रखर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि हर मुद्दे पर इतिहास के साथ आते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सवाल अगर उठा है तो मीडिया का धर्म मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या है या पहले क्या था, इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए प्रमिला, ऐसा है कि मीडिया का धर्म क्या होना चाहिए इसकी कोई बहुत बड़ी परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। इसकी परिभाषा में से दो ही चीज़ें आती हैं, पहली ये कि जो सच है वो दिखाया जाना चाहिए और दूसरा ये कि निष्पक्ष होना चाहिए। तटस्थ जैसा कोई शब्द नहीं होता, तटस्थ होना तो अंधा बहरा और गूंगा होना होगा। समीर ने एक बात कही कि हमें पहले क्या सिखाया गया था, आज हम क्या कर रहे हैं। दरअसल हम लोगों के दिमाग में एक अजीब सा भ्रम भर दिया गया है, ये 2014 जो है ना, इसको हमने मान लिया है BC और AD। हम ये मान के चल रहे हैं कि 2014 के पहले जो हो रहा था वो सब बहुत अच्छा हो रहा था, सब बहुत अच्छा था, और 2014 के बाद इस देश का सारा ताना बाना बिगड़ गया। पहले तो हमें इस भ्रम को दूर करना होगा। समीर ने बात की कि हमें सिखाया गया था कि हिंदू मुसलमान दंगों की खबरें हम अवॉइड करते थे, हमने छात्र जीवन में सीखा था ये, लेकिन मैं चीज़ों को जनरलाइज नहीं करता, मैं संदर्भ प्रसंग समेत उदाहरण देकर बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं जर्नलिज्म में नया नया आया था, टीवी जर्नलिज्म में नया नया दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था, एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, तो वहाँ पर हमें कुछ काम आया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि इस देश में दंगे हुए हैं और उन दंगों की लाइव रिपोर्टिंग हुई है, ये पहला मौका था 2002 के गुजरात दंगों का। तो मैं उस समय के तीन चैनल थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, तीन ही चैनल बड़े चैनल हुआ करते थे, तो सारे फुटेज मैंने देखे, उसको मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैंने नोट किया। वहाँ पर मैं एक इंसान को बहुत ध्यान से देख रहा था, वो मेरा आदर्श हुआ करता था और मैं मानता था कि वो समय, और सभी लोग मानते हैं कि उस समय वो टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिपोर्टर था, सबसे चार्मिंग रिपोर्टर था, और आज भी एक बड़े संपादकों में और बड़े पत्रकारों में, ना सिर्फ टीवी बल्कि पत्रकारिता के, भारतीय पत्रकारिता में एक बड़े नाम के तौर पर उसे जाना जाता है। अब देखिए, सच जो मैंने कहा सच दिखाना चाहिए, सच दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए? आप बोलते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, आप निष्पक्ष होने के नाम पे कहते हैं कि दोनों तरफ की बातें बताओ जी, इसका पक्ष भी बताओ, इसका पक्ष भी बताओ, लेकिन पक्ष बताते वक्त क्या खेल होता है, क्या नैरेटिव सेट होता है? और ये 2014 की बात नहीं हो रहा, ये जो मैंने कहा ना आपसे कि ये BC और AD वाला मामला नहीं है। अब क्या हो रहा है, 2002 के दंगों की वो सबसे बड़ा देश का टीवी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है, और जब गोधरा की जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है वो, तो वो ये बहुत क्लियरली कहता है, हो सकता है उसको आम आदमी ना समझ पाता हो लेकिन एक जर्नलिस्ट समझ सकता है, वो कहता है कि एक मॉब ने, जिसका कोई चेहरा नहीं, मॉब ने एक बोगी पर हमला किया, ये शब्द हैं, जिसको भी शक हो वो जाके चेक कर दे उस चैनल की लाइब्रेरी के अंदर। वो कहता है कि एक मॉब ने एक बोगी पर हमला किया, लेकिन जब वो नरोडा पार्टिया में होता है तब वो कहता है हिंदू मॉब ने एक मस्जिद पर हमला किया। अब जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि मैंने तो दोनों पक्ष दिखाए, मैंने तो गोधरा की भी रिपोर्टिंग करी, मैंने तो नरोडा पार्टिया की भी रिपोर्टिंग करी, लेकिन नरोडा पार्टिया की रिपोर्टिंग और गोधरा की रिपोर्टिंग में शब्दों का जो अंतर है, आपने जो नैरेटिव सेट किया 2002 में, ये उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। तो ये मत कहिए आप, कोई भी ये मत कहिए कि 2014 से सब बदला है, ये हमारे जर्नलिज्म के अंदर ये शुरुआत से कहीं ना कहीं सो कॉल्ड, जिसको हम भक्ति काल कह सकते हैं, जो आप अक्सर इस्तेमाल करती हैं, ये हमेशा से रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है, अब दिक्कत ये हो रही है कि पहले एक तबका था, हम सब ने न्यूज़ रूम में देखा है,
और अगर इधर यहाँ बैठा जो भी जिसने दो दशक का जिसको अनुभव है वो न्यूज़ रूम को और जो भी प्रिंट में रहा है उस अनुभव को जानता है कि एक इकोसिस्टम काम करता था, एक आइडियोलॉजी काम करती थी, वही कब्जा करके बैठे थे, दूसरा तबका बोलता नहीं था। अब बदकिस्मती से बोलने लगा है, अब बोलने लगा उसका टूल भी आ गया, अब तो सोशल मीडिया आ गया, खुलकर आ गया, तो अब सबको दिक्कत होती है, सबको लगता है ये आज ही बदला है, ये जो काला इतिहास है ना ये हमेशा ऐसे ही रहा है। यानी अगर भक्ति काल आपको लगता है तो कभी छायावाद भी रहा होगा जब लोग शेडो के तौर पर काम करते होंगे, छायावाद भी रहा होगा अगर भक्ति काल अभी आया है। स्वाति, आप प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, तो क्या प्रिंट में धर्म बदलता है कुछ मीडिया का? मैं प्रिंट में काम करती थी, आई वॉज विद टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, नाउ आई वर्क फॉर अ वेबसाइट, इट्स स्वराज्य। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन ऑन, सी वी आर हियर डिस्कसिंग धर्म ऑफ मीडिया, मीडिया का धर्म। वी हैव समवेयर सेटल्ड विद द आइडिया दैट दिस इंडस्ट्री ओनली इज गुड विद सेल्फ रेगुलेशन, एज इफ धर्म से चल जाएगी, कोई आउटसाइड रेगुलेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। एंड समवेयर काफ़ी सालों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ढाल बनाकर इस इंडस्ट्री ने हमेशा रेगुलेशन को रोका है। बट आई वुड लाइक टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू पुश दिस इनकन्वीनियंट एंड मे बी अनपॉपुलर आइडिया दैट दिस इंडस्ट्री जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री नीड्स रेगुलेशन विद कॉन्सिक्वेंसेज, विद पेनल्टीज फॉर मिस्टेक्स। This I have realized while doing a lot of ground reports in Swarajya. देखिए गलत न्यूज़ के, गलत नैरेटिव के बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत इम्पैक्ट है उसका, न्यूसेंस वैल्यू उसकी बहुत हाई है। We don't always understand because it's not tangible. Let's say एक adulterated food है, उसका tangible असर दिखता है, somebody will you know become sick. बट मीडिया के गलत रिपोर्टिंग से जो फ़र्क होता है वो एकदम टेंजिबल नहीं है, बट यू कैन सी नाउ दैट द मीडिया इज स्लोली पुशिंग द कंट्री इनटू अनार्की। इतने गलत गलत आइडियाज़ फीड किए जाते हैं कि एक केस को आप लेकर इतना हल्ला मचा देते हैं एज इफ उसके पैरेलल कोई दूसरा केस है नहीं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक जुनैद खान सीट पे झगड़ा हुआ था एंड मॉब पुश्ड हिम, स्टैब्ड हिम, ही डाइड, इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट। आई रिपोर्टेड दैट ऑन द सेम रूट इन द सेम मंथ अ दलित मैन कॉल्ड देवेंद्र बलहारा आल्सो वाज किल्ड ओवर अ सिमिलर सीट डिस्प्यूट एंड बाय हिज को पैसेंजर्स। उसका कोई जिक्र नहीं उस केस में। मेरी रिपोर्टिंग के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट को, सॉरी एससी कमीशन ने रेलवे मिनिस्ट्री को ये बोला था कि आप बायस्ड हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अ विक्टिम। सो और उस गांव में जब मैं गई थी रिपोर्टिंग करने तो हर कोई कह रहा था कि अगर हमारे नाम के आगे खान होता तो हमको भी कंपेंसेशन मिल जाता, मीडिया भी हमारे पास आ जाती। ये एक जगह नहीं है, ये हर जगह मैंने देखा है। अगर कोई कैटल स्मगलिंग, किसी को कैटल थीफ किसी किसान को मार देता है तो उसकी फैमिली अब ये बोलती है कि अगर हम स्मगलर होते तो हमको सरकार कुछ दे देती, अब हमको कुछ नहीं देती है। अब एक रीसेंट केस आई टेल यू विच आई रिपोर्टेड एक्चुअली जस्ट यस्टरडे, मुजफ्फरनगर में अभी पीछे को सीए पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। सो अ लॉट ऑफ पीपल एंटर्ड अ मदरसा। सो मदरसा में बाद में कुछ ऐसे रूमर्स फैल गए जो कि मीडिया ने उसको लेजिटिमाइज किया। वो ये थे कि पुलिस ने बच्चों का, माइनर बच्चों का रेप किया है और वो बिल्कुल झूठ पाई गई है। ऐसे मतलब वहाँ की पुलिस ने पूरी रिपोर्ट दे दी है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मदरसा के एक टीचर ने FIR भी फाइल कर दी है फॉल्स रिपोर्टिंग की। हमको भी पता है कि ज़्यादा कुछ इसमें होने नहीं वाला, अनआइडेंटिफाइड लोग उसमें नेम्ड हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ इट्स द न्यूसेंस इज़ वेरी वेरी हाई, इट्स क्रिएटिंग फिशर्स, इट्स मेकिंग पीपल मिस्ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, देयर ओन गवर्नमेंट, देयर ओन पुलिस, देयर ओन नेबर्स। लेकिन इन सब के, ये सब करने के बाद रेगुलेशन, कोई पेनल्टी कुछ नहीं है। सो माय पॉइंट इज़ कि अकेले धर्म से नहीं होता, धर्म की आवाज़ पे, धर्म कोई किसी आत्मा की आवाज़ पे कोई इंडस्ट्री नहीं चलती है, सब पर वो है। तो व्हाई इज़ इट जस्ट द मीडिया इंडस्ट्री दैट इज़ सो वेहमेंटली अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ रेगुलेशन? आप, ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। सो आई फील दैट रेगुलेशन
शुड बी देयर. इट्स ये सिर्फ धर्म की आवाज़ पे, आत्मा की आवाज़ पे ये जो चल रहा है ये नहीं चल सकता. हमको ये लगता है कि जो आप जिस विषय पर चर्चा को ले जा रही हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम उस धारा पे ना जाएं. हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मीडिया की जिम्मेदारी क्या है. धर्म जो शब्द है, जैसा प्रणय ने बताया या जैसे समीर कह रहे हैं, प्रखर कह रहे हैं, मैं आप तक आने से पहले ज़रा सा आपकी बात से एड ऑन करूँगा. धर्म दरअसल मीडिया के साथ सबसे बड़ी संकट की जो घड़ी है वो ये है इस वक्त कि आप किस चीज़ को किस अनुपात में दिखाते हैं. जो मुझे 20 साल काम करने के बाद अब मैं जब दर्शक के तौर पे देखता हूँ, मुझे धर्म वो वाला धर्म नहीं दिखता कि वो हिंदू है कि वो मुसलमान है. मैं देखना चाहता हूँ एक दर्शक, एक पाठक के नाते सुबह या शाम को टीवी पर कि किस अनुपात में आप मुझे दिखा रहे हैं. अगर मैं दर्शक के तौर पे देखूँ तो कि किस तरह से आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या वो जितना कंटेंट है, जैसा मैंने पहले बोला आपसे, जैसे मैंने पहले आपसे बोला अपने वक्तव्य में कि क्या वो जो छोटा सा एक हादसा हुआ वो पूरे मुल्क की सच्चाई है, क्या वो छोटा सा जो एक, मैं उसे छोटा सा ही कहूँगा, मैंने आपको बोला कि वो एक मेरे शहर दिल्ली के जिस इलाके में हुआ वो इलाका मेरे पूरे शहर का 2% भी नहीं है, मैं उसे पूरा दिल्ली पर कैसे थोप दूँ, मैं उसे पूरे दिल्ली की घटना कैसे कह दूँ. तो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि मैं जैसे इन्होंने एक बड़े पत्रकार का जिक्र किया प्रखर ने, उसी तरह मैं एक दफ़ा एक पत्रकार को सुन रहा था जब आसाराम बापू का केस चल रहा था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया. हम जनरली लिखते हैं कि धर्म गुरु, और उन्होंने बहुत संभल के न्यूज़ पढ़ते हुए बोला कि कुछ लोगों के धर्म गुरु. ये जो कुछ लोगों था ना, ये जहानत का प्रतीक था, ये समझदारी का प्रतीक था, क्योंकि वो जो गुरु हैं वो सबके धर्म गुरु नहीं है, वो कुछ लोगों के धर्म गुरु हैं. इसी तरह जो हादसा हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा स्टैंड है कि जो हादसा किसी भी शहर में हो रहा है वो पूरे मुल्क का चेहरा नहीं है. वो अगर कोई एक हिंदू कम्युनिटी कर रही है तो पूरी हिंदू कम्युनिटी का मसला नहीं है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का मसला नहीं है, वो एक छोटे से हिस्से का मसला है. तो क्या मीडिया का धर्म ये नहीं बनता कि उस ट्रांसपेरेंसी को हम तक पहुंचाए कि हाँ ये जो मुझे लगता है हम अब इस पर पक्ष विपक्ष बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार हम धर्म की व्याख्या सबके मुंह से सुन लेते हैं, क्योंकि आप प्रिंट में से ताल्लुक रखती हैं और हमने टीवी मीडिया को सुना. सोशल मीडिया में है प्रियंका और बहुत मुखर है सोशल मीडिया पर, तो क्या सोशल मीडिया में भी कुछ धर्म वर्म होता है या केवल कर्मण्य कर्तव्य, केवल कर्मण्य वाधिकारस्ते माफलेषु कदाचनम, कुछ भी है डाले जाओ और उसका नतीजा क्या हो रहा है ये नहीं देखो, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ है? फर्स्ट अप, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई एम ऑनर्ड टू बी अप हियर विद ऑल ऑफ दीज एस्टीम्ड कॉलीग्स ऑफ माइन. आई एडमायर यू लॉट फॉर योर वर्क. अभी सोशल मीडिया पे व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड NIJ न्यू इंडिया जंक्शन जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वी डील अ लॉट विद यूथ. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट जस्ट हैपेंड 2 days अगो. नाउ मैं कॉलेज डिबेट्स करती हूँ, स्टूडेंट डिबेट्स करती हूँ, वी डू इट वेरी रेगुलरली अक्रॉस द कंट्री वेयर वी हैव किड्स कम, दे आर डाइंग टू कम, दे आर डाइंग टू वॉइस देयर ओपिनियन. And what I have noticed that these, something that was maybe not mentioned is citizen journalism, especially on social media, is coming up in a very unofficial way. Because these kids want to voice their opinion, these kids want to have some kind of platform to voice their opinion. Abhi problem hai ki now with all of the events that are taking place, the issues that are taking place right now, I don't want to name the issues specifically. Lately I asked, WhatsApp group hai, I just put, we are having a college debate at this location, who wants to come? And now normally we get a request of at least 50 kids that want to come, out of which we have to pick 3 or 4 every single week. Nobody responded. And I was quite perplexed. So I called one student who was very sort of politically knowledgeable, very active, and I said, yaar, we need to do a debate, so please have somebody come because we need to put something out. So he forcibly got 3 or 4 people to come, 3 or 4 kids. First time voters the, 18-year-olds to maybe 20-year-olds. And the first question that I asked them is, why are you guys are so vocal on your social media, Instagram stories pe, Twitter pe, Facebook pe, whatever platform you're on, you're so vocal.
अब क्या हो रहा है, व्हाई आर यू सो क्वाइट, व्हाई आर यू नॉट इवन आंसरिंग टू मी ऑन व्हाट्सएप. दे सेड, मैम प्रियंका मैम, वी आर स्केर्ड, वी आर स्केर्ड टू वॉइस आवर ओपिनियन, वी आर स्केर्ड टू शो आवर सपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, वी आर स्केर्ड टू वॉइस प्रो CAA. I said, but why? You guys know the subject. You guys are, I would say, one of the few students or few people in this country that have actually read the bare text, because I've either forced you to or told you to 100 times on the group before you come. What's happening? They said, no, ma'am, we're getting trolled. We're getting plastered on social media. We're getting bullied in school. We are scared of getting physically attacked. Our parents have suspended our accounts. They don't want anything on there. I said, yeah, this is a huge problem that is starting and that's cropping up, and it could lead to massive consequences. When we talk about media ka dharm, to me, what it means, and as a representative, I guess, of youth in this country, because I talk to them so often and so frequently, I think that it is very important to be able to, in the world's largest democracy, to be able to voice your opinion, because media and the masses work together. It is our responsibility to deliver the truth to you, but at the same time, it is up to the public to be able to voice their opinion, because otherwise media would not exist. So that is what I have been noticing, and that is, I would say, a big problem that needs to be looked at right now. अगला सवाल फिर यही बनता है कि फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि एक तरफ है गोदी मीडिया, एक तरफ है दलाल मीडिया, क्या बीच में कोई तीसरा पक्ष है नहीं, और जो बीच में वो कहाँ जाएं, और ऐसा क्यों है, और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे में आपस से लड़ें तो समझ में आता है, पत्रकार क्यों एक दूसरे को निशाने पर लिए ले रहे हैं. प्रमिला, ये जो फ्रेजोलॉजी है, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिका हुआ मीडिया, ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये सच आपको नहीं दिखाया गया है, ये सारी जो है ये सोशल मीडिया फ्रेजियोलॉजी है जो आपको जनरली व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे मिलती है. ये बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के बीच की लड़ाई है. खबर मैं आपके लिए तय करूँगा या आप तय करेंगे कि खबर आप क्या देखना चाहते हैं. ये पुश कंटेंट और पुल कंटेंट के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर ये बात ज़रूर है कि काफ़ी सब लोग बोल रहे हैं. यूथ बोल रहा है, मध्यम वर्ग बोल रहा है, हायर क्लास बोल रहा है, हर वर्ग अपनी बात कह रहा है, और 130 करोड़ लोगों के मुल्क में ऐसे लोग हमेशा फिर भी रहेंगे जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकेगी, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी गई है, क्योंकि नहीं सुनी जा रही है, ये तो है ही सही. फिर भी आप ऑल इंक्लूसिव मीडिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास टेम्पलेट बंधे हुए हैं, तो ऐसा हमेशा होगा. इसलिए हमेशा ये सवाल उठता रहेगा कि इन्होंने हमारी बात तो दिखाई नहीं, ये तो आधा सच दिखाते हैं. लेकिन ये जो लड़ाई है ये अब बढ़ते बढ़ते ये खींचतान जो है ये व्यक्तियों पे आ गई है. अब हमने व्यक्तियों पर टैग लगा दिए हैं, स्लिप लगा दी हैं, ये ऐसी बात करते हैं तो ये इनके साथ के आदमी हैं. स्वाभाविक रूप से मैं अगर मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए जी, ये बहुत ही जनरलाइजेशन है, ये जर्नलिज्म का जनरलाइजेशन है कि मेरे हित की बात नहीं की तो ये बिका हुआ है. मैं वो सुनना चाहता हूँ जो मैंने ओपिनियन बना रखा है. हम इको चैम्बर इफेक्ट के युग में हैं, सोशल मीडिया ने अलग किस्म के घेटों बना दिए हैं, और हम अपने उस घेटों में रहना चाहते हैं, अपने तरह की बात सुनना चाहते हैं. अल्टरनेटिव व्यू को बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना जिसके लिए काउंटर करने के लिए अगर उन्हें ज़रूरत है तो पढ़ सुन रहे हैं, वरना अधिकतर लोग जो हैं उस इको चैम्बर में रहना चाहते हैं. ये खराब स्थिति है. इंडिया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत ख़राब स्थिति इसलिए है कि इस मुल्क ने हमेशा सवालों को प्रमोट किया है. यहाँ बुद्ध से सवाल पूछे गए हैं, यहाँ राम से सवाल पूछे गए हैं, यहाँ कृष्ण से सवाल पूछे हैं, और आपके हर कैरेक्टर ने, जिसे आप नायक मानते हैं, उसने सवालों का जवाब दिया है. लेकिन शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच यहाँ इसी मध्य प्रदेश के अंदर महेश्वर के अंदर बहस हुई, और उस बहस के अंदर मंडन मिश्र को मानना पड़ा कि शंकराचार्य ने उन्हें पराजित किया है. तो अगर आप बहस करते हैं, सवालों को तथ्य पे रखिए, तथ्य पे बात करिए, और अगर खुले दिमाग से आप बहस करेंगे तो तथ्यों पे बहस करेंगे तो आपका नज़रिया भी बदलता है. आखिर और हम किस लिए बात कर रहे हैं, बहस क्यों करना चाहते हैं? लेकिन अगर आप वो सुनना चाहते हैं जो आप पहले से तय कर चुके हैं, और आप केवल एक ईको चाहते हैं कि मैं वही बोलूं जो आप सुनना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी बार आपको जो है असंतोष मिलेगा, हताशा मिलेगी आपको, मैं दलाल नज़र आऊँगा, बिका हुआ नज़र आऊँगा, गोदी में बैठा हुआ नज़र आऊँगा. ये बहुत सारे फ्रेजियोलॉजी हैं, क्योंकि आपने गढ़ लिया है, आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे यही चीज़ सुननी है, ऐसा ही मानना है.
प्रखर, आपसे सवाल है, तो इतिहास के साथ बताइए ये अभी हुआ है या पहले भी ऐसा था? ये दलाल मीडिया जो शब्द है ना, बड़ा चुपता है प्रमिला, बहुत चुपता है जी। और इसलिए चुपता है कि इसका इतिहास भी पूरा नहीं है। अब एक देश के बहुत बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, जितने लोग हैं वो उनकी काबिलियत पे, उनकी निष्पक्षता, सो कॉल्ड संघर्ष, उन कोई सवाल नहीं उठाएगा उन पर। बहुत बड़ा नाम है लिबरल कुलदीप नैयर साहब, स्वर्गीय कुलदीप नैयर साहब, वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। उस आत्मकथा में वो दो जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो। उसमें वो दो बातें कहते हैं, उसमें कहते हैं कि देश के दो प्रधानमंत्रियों को बनाने में मेरा योगदान है। जब जवाहरलाल नेहरू मरते हैं और कैसे लाल बहादुर शास्त्री कुलदीप नैयर की एक खबर पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये कुलदीप नैयर बड़ी शान के साथ इसका विस्तार से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कामराज ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी बदौलत शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए, और बाद में वो शास्त्री के प्रेस मीडिया एडवाइज़र बनते हैं। दूसरा किस्सा आता है, यहाँ भी रुकते नहीं हैं वो, उसके बाद किस्सा आता है 1989 का, जनता दल सरकार बनाने के लिए जा रही है, चंद्रशेखर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या तो मैं बनूं या देवीलाल बने, वीपी सिंह नहीं बनेंगे, बाकी जो हो जाए। कुलदीप नैयर यहाँ बीच में आते हैं, वो जो अपनी किताब में लिख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने ये तय हुआ उस वक्त कि सबसे पहले चंद्रशेखर आएंगे, वो देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, फिर वीपी सिंह मंच पर आएंगे, वो उसका अनुमोदन करेंगे और देवीलाल इस तरह से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि ये जनादेश जो है वो वीपी सिंह के लिए है, इसलिए मैंने इस स्क्रिप्ट को चेंज करवा दिया। मैंने देवीलाल को समझाया कि ये जनादेश वीपी सिंह के लिए, आप हट जाइए, उन्हें बनने दीजिए, और देवीलाल मान गए। अब शुरू हुआ, उस समय दूरदर्शन आ चुका था और हम सबको अपने बचपन का थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो वो किस्सा याद आ जाएगा आप लोगों को। चंद्रशेखर आते हैं, वो नाम लेते हैं देवीलाल का, वीपी सिंह आते हैं, वो अनुमोदन करते हैं देवीलाल के नाम का, और देवीलाल आते हैं और ताऊ मना कर देते हैं कि भैया मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, वीपी सिंह बनेंगे, और चंद्रशेखर गुस्से में मंच छोड़कर चले जाते हैं। सबने देखा, हम सबने देखा। तो क्या एक पत्रकार को ये शोभा देता है कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस तरह के स्टोरी को जमाए बनाए? तो ये उस दौर में भी हो रहा था। खुशवंत सिंह की बात लेते हैं, वो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, लव टू लिटिल मैलिस, उसके अंदर बड़े गर्व से बताते हैं वो कि मुझे 77 से लेकर 80 तक कांग्रेस की वफादारी का इनाम मिला। दो इनाम मिले, पहला इनाम ये मिला कि मुझे 1980 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक बनाया गया, और दूसरा मुझे राज्यसभा भेजा गया। ठीक है, अब देखिए आपने मीडिया के धर्म की बात करी, अब इंसान का धर्म भी आता है पत्रकार के अंदर। हर पत्रकार के दो धर्म होते हैं, खुद का धर्म भी होता है और एक कई लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े नाम है, खुद का धर्म भी होता है और मीडिया का धर्म भी होता है। अब देखिए धर्म कैसे इफेक्ट करता है आपकी सोच को। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और पूरा मोहभंग हो जाता है खुशवंत सिंह का इंदिरा गांधी से। वो राज्यसभा के इससे इस्तीफा देते हैं, जो 74 में उनको पद्म पुरस्कार मिला था उसको लौटा देते हैं, और इस प्रकार से वो एंटी कांग्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि इंदिरा गांधी ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। तो ये इतिहास में होता रहा है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको 2002 वाले पत्रकार का दिया था, प्रणय है, प्रधानमंत्री के साथ मेरे को लगता है बहुत सारे टूर्स इन्होंने किए होंगे प्रधानमंत्री के साथ। वो एक तस्वीर लेकर घूम रहे हैं अमेरिका में, इसको पहचानते हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये कौन सी पत्रकारिता का धर्म है? और फिर आप जब ट्रोल होते हो तो आप बोलते हैं मैं तो विक्टिमहुड कार्ड शुरू हो जाता है, आपका विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे मैं बोरिस जॉनसन की तस्वीर लेकर खजुराहो में घूमूंगा, कितने लोग पहचान लेंगे? इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कमजोर हो गया। तो दिक्कत ये है, अभी आलोक जी ने एक बात कही थी, अपने कॉलेज की लड़ाई का जिक्र किया और जेएनयू की लड़ाई का जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं लिया जेएनयू का, दिखाना चाहिए सब दिखाना चाहिए। आप दोपहर के नकाबपोश भूल गए और रात के नकाबपोश आपको याद है, क्यों? कॉलेज में हम सब कॉलेज में पढ़े बॉस, और कॉलेज में जो बाद में मारता है वो ज्यादा मारता है। हिंसा का विरोध करता हूं लेकिन सत्य यही है, बड़ी बड़ी बातें करते से कुछ नहीं होगा। अब धर्म आ जाता है इसमें बीच में, मीडिया का धर्म। अब आप चुन चुन कर जो है रात वाले नकाबपोशों का स्टिंग कर रहे हैं साहब। मैंने भी स्टिंग ऑपरेशन किए, जब हिंदुस्तान में स्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ था तो मैं भी उसमें मैंने काम किया उसमें, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा किया ही होगा उसमें। अब रात वाले नकाबपोशों का तो स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, और सबसे आसान होता है स्टूडेंट का स्टिंग ऑपरेशन करना, बड़बोले होते हैं, जल्दी बोल जाते हैं। भाई दोपहर वाले, आपने दोपहर वाले नकाबपोशों का स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, रात वाले नकाबपोशों का भी स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं।
अरे वेलेंटीना की उंगलियां आपको दिखाई नहीं दे रही, दो उंगलियां टूट गई उस एबीवीपी कार्यकर्ता की, शाम को सर में चोट लगती वो आपको दिखाई दे रही है, अरे भाई डंडे तो दोनों चले थे, हिंसा तो गलत थी, वो जो दोपहर में हो रही थी वो भी गलत थी, जो पेरियार में हो रही थी वो भी गलत थी, जो साबरमती में हुई वो भी गलत हुई। देखिए प्रखर जी इतिहास के साथ आते हैं और आपने देखा इन सारी बातों में अवार्ड वापसी का भी इतिहास वो ले आए हैं कि ये अवार्ड वापसी कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी होता आया है। और जो लड़ाई का जिक्र किया, और बिल्कुल हिंदुस्तान की परंपरा है बच्चों की लड़ाई में बड़े नहीं पढ़ते, लेकिन आप जो बड़े हैं ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बाकायदा बच्चों को मोहरा भी बना रहे हैं। समीर आप तो दोनों तमगों से नवाजे गए हैं, गोदी मीडिया भी दलाल मीडिया भी, आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि गोदी मीडिया दलाल मीडिया ये सारी चीज़ें जो अब मीडिया को ये सारे नाम से आजकल नवाजा जा रहा है, मैं बाकी अपने दोस्तों से थोड़ी सी अलग इस पर राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा पत्रकार हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करने में कहीं ना कहीं खामी दिखाई है और खामी बढ़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसमें जिम्मेदारी भरा व्यवहार जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है हम पत्रकारों से, और वो जिम्मेदारी निभाने में हम असफल रहे जिसकी वजह से भी ऐसा है। मुझे ये लगता है कि लोग ऐसे ही नहीं कहते कि आप हमारी खबर नहीं दिखाओगे, जी आप तो फलाना चैनल से हो आप हमारी खबर नहीं दिखाओगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में ये बंटवारा जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ें उनमें बंटवारा हो जाए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बंटवारा हो वो तो समझ में आता है, लेकिन मीडिया में ये बंटवारा क्यों है ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है और ये हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मीडिया में कोई बंटवारा नहीं है, सब कोई अपने हिसाब से खबरें दिखा रहा है, फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? ये आरोप लग रहे हैं और ये आरोप सही हैं, वाजिब हैं, जायज़ हैं, ऐसा हो रहा है। हमने अपने अपने चैनल का अपना अपना नैरेटिव सेट कर लिया है, हमें लगता है कि अगर हमें प्रो एस्टैब्लिशमेंट खबर दिखानी है तो हम दिखाएंगे, और हमने अपनी एक लाइन पकड़ ली है और उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। उस नैरेटिव में सूट करने वाली हमें खबर मिलती है तो हम उसको ज़ोर शोर से उठाते हैं, हमारे नैरेटिव को सूट करने वाली खबर नहीं मिलती तो हम उसको चलाते हैं लेकिन दबाते हुए चलाते हैं। तो ये गलती तो हम कर रहे हैं, अब ये इसका सल्यूशन क्या है और इसका सल्यूशन हो क्या सकता है ये हमें ही सोचना पड़ेगा। तो ये कहने से मुझे नहीं लगता काम चलेगा कि नहीं ऐसा हो नहीं रहा है और ये सिर्फ लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया है। ये भ्रम किसने पैदा किया? ये भ्रम हमने पैदा किया, कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए उस वजह से ये भ्रम पैदा हो रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो मुझे लगता है ये भ्रम भी रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है जब तक हम इसको मिटाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता है क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है जब दो फाड़ हो गई है, जिसे कह रहे हैं दो तरफ हो गए, समुद्र मंथन का दौर है और अब इसमें से अमृत निकलेगा, लेकिन इस दौरान जो जहर समाज में फैल रहा है उसके लिए क्या मीडिया जिम्मेदार है आप लोग मानते हैं? आलोक जी आप नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूसरी तरह से यूं दूंगा कि जैसे अभी प्रखर ने कहा और उससे पहले प्रणय भाई ने भी बोला कि पहले हम खबरें हम तय करते थे, ठीक है। प्रखर जी ने दो पत्रकारों का जिक्र किया कि क्या ये शोभा देता है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन हमको ना जैसे प्रखर इतिहास से आते हैं तो हमें उस इतिहास से ही अगर हम आएँ और हम उसी प्रदेश की बात करें जिस प्रदेश में आज हम बैठे हैं, तो इसी प्रदेश में राजेंद्र माथुर भी हुए, इसी प्रदेश में प्रभाष जोशी भी हुए, तो हमको ये भी गौर करना होगा। और उधर उस कॉर्नर से अभी एक आवाज़ ये भी आई थी कि आफ्टर ऑल ये जो है ये भी एक बिजनेस मॉडल है। आपको ये सोचना होगा कि जो सोच है और जो विज़न है वो कितना बदल चुका है। एक वो दौर जो हमने अपने बचपन के दिनों में प्रभाष जोशी का कि जनसत्ता के पहले आवरण पर या पहले पृष्ठ पर एक विज्ञापन नहीं छपता था, बावजूद इसके कि वो टाइम्स उसका बड़े एक पत्रकार समूह का अखबार था, एक आइडियोलॉजी वो थी। एक आइडियोलॉजी ये है कि आज हम सहजता से कह देते हैं कि आफ्टर ऑल ये भी एक बिजनेस मॉडल है। आलोक जी बस एक छोटी सी बात कहूँगा, आपने प्रभाष जी का नाम लिया,
मैं आपको बता दूं कि वो भी बाबरी मस्जिद और अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए बीच में भूमिका अदा कर रहे थे. ये ध्यान रखना रखा जाना चाहिए जी. मैं ये भी एक बहस का विषय है बस. हाँ मैं बहस तो खैर मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ ऐसे मानक जो दूसरे लोगों ने सेट किए, अब प्रखर एक जो चीज़ लेके आए हैं और जो बता रहे हैं मैं उससे असहमति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि आज जो लोग टीवी में काम कर रहे हैं वो जो पुराने नहीं हैं, वो जिनके पास भाषा नहीं है, वो जिनके पास विज़न नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते भी मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं वो भी एक दोष का कारण है. कहीं ना कहीं हम वहाँ भी मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना परसेप्शन सेट कराने में या हम अपनी निष्पक्षता और अपना धर्म जताने में चूक रहे हैं. प्रियंका आप बताइए, आप तो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और हाल ही में आप ट्रोल भी हुई हैं, आपने इंडियन एक्सप्रेस में जो अपना आर्टिकल लिखा है, तो कितनी बेबाकी से राय रख पाना मुमकिन हो पाता है या नहीं सोशल मीडिया में? आई थिंक आई एम स्टिल बीइंग ट्रोल्ड फॉर इट. आई जस्ट चेक माय फेसबुक 5 मिनट्स अगो एंड द मैसेजेस आर स्टिल कमिंग थ्रू. बट व्हाट आई मैंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, द इनटॉलरेंस ऑफ लिबरल्स, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया दैट दिस हैपेंस, इट्स ऑल ओवर. आई हैव गॉन टू हार्वर्ड. So what had happened was I had written this article. Usse pehle I had put my video up on CAA, and mera Facebook page pe tha, so I thought I could put whatever I wanted. But the first comment that came from a girl who I had lived with, who I had partied with, who I had gone to 5-6 classes with throughout the years that I had been at Harvard, she writes, "Priyanka Deo, you are a beep disgrace." Or I was quite shocked by that answer, because or that response, kyunki mera pehla reaction tha ki ye alam hai meri, this is a peer of mine, out of respect at least agree to disagree. But it was not like that. That was the first comment. Then I said, but what is wrong, what is the problem? And it just got worse from there. What I was trying to ask her was, what is the objective stance that you are taking? What is the problem that you have with the video that I have made? Tell me the exact argument that you have a problem with. Don't just personally attack me. And she proceeded to do that, which amalgamated into a bunch of my Harvard colleagues proceeding to do that. And as a result, I was kicked out of all of my Harvard alum groups, WhatsApp pay, Facebook pay, on every platform. The alum groups have a student admin and a professor, so both have to kick you out. So the professors had also kicked me out. Now, when I asked the professors, this is my freedom of expression. I have the right to have a right and have a viewpoint in whatever I want. They said, well, it is dangerous to the group. Not becoming of a Harvard student, and I will not put you in. So I had to go to my dean to get me back in. But then I said, ki kya fayda, kyunki now I have 100 trolls with me and I'm still in those groups. So the trolling is still going on to this day. That article was published several weeks ago. The trolling is still going on. But the problem that I have with it, and I say this all the time to youth, because as I said before, they are very scared to open up. They are very scared to voice their opinion for fear of being trolled like this, fear of getting bullied, being in a college setting, you know, having their peers ignore them, being popular and cool. Yes, it's one thing. But I just saw two small girls with cameras, probably future photojournalists, hopefully. And what I would implore all of you to do is be able to have, this is what dharm means to me at least, be able to voice your opinion no matter what it is, even if you're one against, 300,000 people in a Harvard group. So it happens with people at Harvard who are well-educated. This is one of the schools where people are dying to get into, at least a lot of my colleagues are striving to get into, but the ideology doesn't change, and the problem comes when there is no objective debate. Now, when you're talking about intolerance, it has to be, or a liberal stance. The article title was Intolerance of Liberals, and I called it that because
It was all personal attacks. There was not one objective answer, and you can go on my Facebook. I've opened it up to the public. You can go on that article online. You can see the comments that are there. And if you have any problems with it or any questions or concerns, I'm ready to debate it. वक्त कम है, बस आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो सवाल उठा है मीडिया का धर्म, तो इसका उदाहरण समेत समझना ज़रूरी होगा. मैं और प्रणय जी से इसका जवाब चाहूँगी, क्योंकि वो विदेश मामलों के जानकार हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें करते हैं. और ऐसे में जब देश से जुड़ी खबर होती है, सर्जिकल स्ट्राइक में मीडिया का धर्म क्या है, हाउडी मोडी मोदी में मीडिया का धर्म क्या है, आपको क्या लगता है? कौन सा मीडिया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मैं भारतीय मीडिया के तौर पर गया हूँ तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारतीय ऑडियंस को. मैं विदेशी धरती के ऊपर भारतीय नागरिक भी हूँ, भारतीय पत्रकार भी हूँ, और मेरा जो काम है वो सबसे पहले यह है कि क्या जो भी इवेंट हुआ है, जो खबर हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, वो भारतीय हितों की रक्षा करता है, नहीं करता है. दोनों ही चीज़ें हैं, उसमें सरकार नहीं है लेकिन भारत के हित हैं, क्योंकि मैं भारत से आता हूं, मैं भारत के ऑडियंस के लिए खबर लेने के लिए आया हूं और भारत के ऑडियंस को खबर देने के लिए आया हूं. तो विदेशी धरती के ऊपर सवाल नहीं है. जहां तक आपने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना का जिक्र किया, इंटरनेशनली अगर आप देखें, आप इससे पहले एबटाबाद में जिस तरीके से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया था, या हाल में जो घटनाक्रम हुआ, जब कोई कंट्री या उसका नेता या उसकी मिलिट्री बोलती है, तब उस समय वो एज ए नेशन बोला जाता है. उसके ऊपर शंका हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, वो आपका इंटरनल डिबेट है, क्या हुआ, कितना हुआ, क्या वेपन प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए गए, कितने यूज़ किए गए, नहीं किए गए, नेशनल इंटरेस्ट में कितना बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता. लेकिन उस स्टेटमेंट पर सवाल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब सरकार या स्टेट बोलता है तो इंटरनेशनल पार्लेंस में, यानी दुनिया भर के अंदर, वो भारत का वक्तव्य माना जाता है, यानी भारत ने बोला है. भारत के अंदर क्या है उस चीज़ को लेके कितने लोग सवाल करते हैं, नहीं करते हैं, वो इंटरनल हमारा मामला है. लेकिन बाहर जो बोला जाता है, और किसी देश का स्टेटमेंट देना ही मैटर करता है. और ओबामा से जब ये सवाल पूछा गया था कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो क्या उसका कोई सबूत तो है नहीं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी को शक है तो वो अदरवाइज प्रूव कर दे. तो जब देश ये कहता है कि हमने ये एक्शन लिया, तो वो एक्शन लिया, इसके ऊपर सवाल नहीं होता है. आप इस पर सवाल कर सकते हैं कि क्या पहले भी ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बताया सही था, नहीं था, क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे बेनिफिट होगा, नहीं होगा, बेनिफिट लेने के लिए कहा गया, ये सब इंटरनल डिबेट के सवाल हो सकते हैं. लेकिन भारत ने क्या कार्रवाई की या सरकार ने झूठ बोला, ये बहुत बड़ा है. और इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब कोई मिलिट्री एक्शन होता है, अक्रॉस द बॉर्डर होता है, तो दोनों ही स्टेट उसे ओन अप करते हैं. और आप बालाकोट एयर स्ट्राइक पे देखिए, पहली खबर पाकिस्तान के जो डीजी ISPR है उनकी तरफ से आई थी, उन्होंने ओन अप किया था. आप ईरान की हाल की घटना देखें जो इराक में हुई थी, उसमें अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, ईरान ने उसको ओन अप किया, और ओन अप करने के बाद कंट्रीज जब बोलते हैं, इराक के ऊपर भी, ईरान पर बहुत प्रेशर था कि क्या मिसाइल से जहाज़ गिराया गया या नहीं गिराया गया, और अल्टीमेटली उन्हें यह मानना पड़ा कि हाँ जहाज़ गिराया, उनकी गलती से गिरा. तो कंट्रीज बोलते हैं तो इस पर कोई सवाल नहीं होता है. इस तरीके के मामले में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो अबाव होता है. और एक पत्रकार के लिए भी विदेशी धरती पर जब आप खड़े होते हैं तो कोई डिलेमा नहीं होता इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप भारतीय भी हैं, भारतीय मीडिया भी हैं, भारत के हितों के लिए भी हैं, और पाकिस्तान का हित करने के लिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बहुत सारे आते हैं, चाइना के जर्नलिस्ट भी आते हैं, तो वो चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछेंगे. तो आपने सबकी अभिव्यक्ति सुनी, और ऐसे वक्त में जब ये बात हो रही है कि बोलने में डर लगता है, खजुराहो में हमारी ऑडियंस तैयार है अपने सवालों के साथ. किसी को बोलने में पूछने में डर नहीं है. मैं ऑडियंस से सवाल लूंगी. आज हम मीडिया के धर्म की बात कर रहे हैं. मेरा प्रश्न यह है कि सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम का अधर्म सोशल मीडिया के कारण एक्सपोज होने लगा, इस वजह से क्या आज धर्म की बात करनी पड़ रही है? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, बिकॉज
आलोक जी वॉज वेरी वेरी कैटेगरिकल, यू आप लाइन मत क्रॉस करिए, आप गलत लाइन पर मान जाइए. भाई साहब स्वाति जी वही कह रही थी कि एक साइड दिखाना और एक साइड ना दिखाना यही अधर्म है. यह अधर्म पर हम मजहब चले जाते हैं कन्वीनियंटली. वही उदाहरण प्रखर जी ने दिया कि वो कन्वीनियंटली नैरेटिव में फेक न्यूज की बात नहीं है. फेक नैरेटिव्स जो मीडिया में क्रिएट किए गए उनको आज सोशल मीडिया चैलेंज कर रहा है. और इमीडिएटली हम ये जो सोशल मीडिया पर भाषा है ना, ये सोशल मीडिया पर जिस तरह के लोग आ गए ना, अनट्रेंड जर्नलिस्ट है ना, सॉरी ये मासेस है. और वो अभी अधर्म के बारे में प्रश्न पूछने लगे. शायद मुझे लगता है इस वजह से इस पर बात करनी पड़ रही है. वी नीड टू, मेरा पॉइंट ये है और क्वेश्चन ये है कि आर वी रियली नीड टू थिंक अबाउट एंटायर कंसेप्ट ऑफ सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, सो कॉल्ड. मैं आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड कि आई रिप्रेजेंट अ सर्टन आइडियोलॉजी. यस वी डू, एंड एवरी मीडिया हाउस हैज एन आइडियोलॉजी. इफ दे आर सेइंग दैट दे डोंट रिप्रेजेंट एनी आइडियोलॉजी, देन आई से दिस इज द बिगेस्ट आइडियोलॉजी. मैं आपसे, आपकी बात से 100% नहीं 1000% सहमत हूँ कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से जो नरेटिव सेट किया जा रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया जो नरेटिव सेट करता था, वो अब बिखरने लगा है. और उसी की चिंता है कि आप जब एक चीज़, आप पहले सोचते थे कि हम तो जो पीर पैगंबर ओलिया हैं जी, हम तो जो बोल देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, अब वो नहीं चल पा रही आपकी दुकान. और इसलिए आप जब देख रहे हैं ना कि जो कुछ एक स्क्रीन काले करने वाले और वो चेहरे काले करके कुछ आर्टिस्ट बिठा देते हैं, उनका दर्द यही है, उनका दर्द यही है कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जब उनको नकारा जाने लगा, तो उन्होंने कहा ये सब तो दलाल हैं जी, ये सब तो बिका हुआ मीडिया है. और न्यूज़ रूम में, चूंकि आप ऑर्गेनाइजर से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि स्थितियाँ कैसे बदली हैं, जो चेंज हो रही हैं. मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ. हमें कुछ एक शो बनाना था हिंदुत्व पे, तो मैं कुछ किताबें लेकर आया था अपने ऑफिस में, तो उसमें बंच ऑफ थॉट्स भी थी, सावरकर के ऊपर भी किताबें थी, इस तरह की कुछ किताबें थी. तो दफ्तर में हैरानी से लोग देखने लगे, अरे ये सब पढ़ते हो क्या तुम? तो मैंने कहा एक पत्रकार के नाते मुझे नहीं पढ़ना चाहिए क्या ये? आप बताइए, पढ़ने लिखने की तो आज़ादी होना चाहिए ना, हर तरह का पढ़ना चाहिए. आपको लेनिन भी पढ़ना चाहिए, मार्क्स भी पढ़ना चाहिए और बंच ऑफ थॉट्स भी पढ़ना चाहिए. तो ये जो एक मानसिकता थी ना, जो शुरुआत में जो मैंने उसका जिक्र भी किया न्यूज़ रूम में, मानसिकता थी ना कि एक खास लेफ्टिस्ट लिबरल सो कॉल्ड इन लोगों का जो कब्जा था ना, वो जब कब्जा जब हटने लगा है ना, तो ये उसका जो दर्द है ना, ये सब वो निकल रहा है. और ये दर्द कौन निकाल रहा है, ये दर्द दे कौन रहा है? ये दर्द दे रहा है सोशल मीडिया. तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन प्रखर, मुझे लगता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसको हम वेरीफाई करते हुए ये कह दें कि जो कुछ भी लोग कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, तो मुझे लगता है ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी. क्योंकि ये कह देना, जिस बात का भी स्वाति ने जिक्र किया कि रेगुलेशन हो, रेगुलेटरी बॉडी क्यों ना रेगुलेट करे चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी गलत चीज़ें भी पोस्ट हो जा रही हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी लोगों के सामने आ जा रही हैं मीडिया के ज़रिए. तो सोशल मीडिया पर तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं, जिसका जो मन आ रहा है वो लिख रहा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाया इसलिए उसको तवज्जो मिली. लेकिन सोशल मीडिया पर रेगुलेशन क्योंकि नहीं है, इसलिए बहुत सारे एजेंडे जो हैं वो भी बेबाक तरीके से चलाए जा रहे हैं. तो ये भी हमको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते कि जिस बात का प्रखर ने जिक्र किया कि कुछ लेफ्टिस्ट सोच वाले और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को ये लगता था कि हमारा इस वक्त कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो वो चाहते थे वो चलाते गए. और बाद में अब उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब वो साइडलाइन हो रहे हैं और सोशल मीडिया हावी हो रहा है. मैं ऐसा नहीं मानता. मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर कुछ ऑथेंटिक चीज़ आई है तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, लेकिन उसके पहले उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, लखनऊ में AIMIM की रैली होती है. वहाँ पर मैं क्योंकि पर्सनली जानता था, लखनऊ का जो AIMIM का प्रेसिडेंट है उसका नाम है आसिफ. जब वो रैली के अंदर आया तो वहाँ पर नारे लगे, आसिफ भाई जिंदाबाद, आसिफ भाई जिंदाबाद. लेकिन सोशल मीडिया पर ही उस वीडियो को 30 सेकंड की क्लिप निकाल कर कहा गया
कि लखनऊ में किस तरह से CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसको भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए हुए ये चला दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बाद में जब उस वीडियो की वेरिफिकेशन हुई तो ये बात सामने आई कि उसी रैली में कम से कम 100 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, उसकी जगह आसिफ भाई जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर बार बार उस वीडियो को हजारों की संख्या में रीट्वीट किया गया और सबने ये लिखते हुए किया कि देखिए लखनऊ में कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और जो भी उस वीडियो को देखता उसको पाकिस्तान जिंदाबाद ही सुनाई देता। तो अगर ये गलतियां हो रही हैं तो इसका सुधार भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मुझे लगता है मेनस्ट्रीम मीडिया की भी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर आए हुए हर वीडियो को हम शाश्वत सत्य मानते हुए चला दें और ये कहें कि देखो ये मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता कभी, लेकिन सोशल मीडिया उठा रहा है तो आज ये मीडिया वाले मजबूर हो गए इसको चलाने के लिए। नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमें जेएनयू में अगर शाम को जो इंसिडेंट होता है, कुछ नकाबपोश बदमाश जब जेएनयू के अंदर घुसकर लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं तो वो सुर्खियां बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह की गुंडागर्दी, छात्रों के दो गुट आपस में झड़प हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी का सर फट गया, ये हमने सुना है। लेकिन इस तरह का वीडियो आज तक सामने नहीं आया कि कैंपस के अंदर घुसकर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कुछ नकाबपोश बदमाश आपके ऊपर लाठी चलाएं, डंडा चलाएं। इस वजह से उस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वो खबर बनी। मैं मानता हूं, पूरी तरह से मानता हूं कि शाम को अगर लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले कुछ लड़कों ने और जो लेफ्टिस्ट संगठन है वहां पर उससे जुड़े हुए कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की, उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इससे हर कोई इत्तेफाक रखेगा। नहीं, लेकिन सवाल उठा कि शाम की खबर को क्यों ज्यादा तवज्जो दी गई, तो उसका रीजन ये था। नो, आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो मुद्दा स्वाति ने उठाया था, देयर वाज अ डबल डेक हेडलाइन इन इंडियन एक्सप्रेस, जुनेद खान किल्ड ओवर बीफ, ओके। और लगभग 2 महीने बाद जब हाईकोर्ट का उसमें कुछ रूलिंग आया दैट दिस वाज नॉट द इशू, दिस वाज द इशू, एक कोने में कहीं पे खबर आई थी। मेरा पॉइंट ये है कि, और भारत की ये मानसिकता है ना, जो छपा हुआ है वो आज भी सत्य है। ये छपे हुए लोगों ने, और जिनका मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ब्रेकिंग न्यूज हो या उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, एक नैरेटिव दे दिया, उनको कितनी बार क्वेश्चन, देखिए मीडिया में मैंने आज, मान लीजिए मेरे जैसे व्यक्ति ने भी और किसी ने भी, आपने भी कुछ भी चला दिया, उसको क्वेश्चन करने वाले 10 लोग होंगे, एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। मेरा कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना धर्म नहीं निभाया, इस वजह से आज धर्म पर, सोशल मीडिया से तो अपेक्षा ही नहीं है क्योंकि वो कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं, सोशल मीडिया इज फॉर सोशल पर्पस। हम आज चर्चा, लेकिन ब्लेम गेम सोशल मीडिया पर जाता है। इसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो अधर्म कर रहा था वो सोशल मीडिया एक्सपोज करने लगा है, ब्लेम उस पर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म की स्थापना यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो छपता है, लेकिन मुझे लगता है तब आपको यह भी मानना होगा कि सोशल मीडिया पर भी हजारों लोग बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। अगर आप ये तथ्य एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है वो भी आई एम नॉट डिनाइंग उनसे धर्म की अपेक्षा इसलिए नहीं की जा सकती, ही इज नॉट अ ट्रेन जर्नल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो मानता ही हूं आपको जो कह रहे हो ना, केवल आसिफ की क्यों, ऐसे 200 उदाहरण मैं दे दूंगा। मैं जेएनयू में पढ़ा हूं, जेएनयू में इससे पहले भी कितनी मारपीट, कितने गुटों के बीच में हुए मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस पर अभी तक बात नहीं कर रहे थे। 2016 के बाद जेएनयू के अंदर के राजनीति के बारे में बात तो करने लगे। यार आज तक मैं 97 का रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूं, आज तक PhD सबमिट नहीं करवाया हूं, संघी हूं करके कोई इस विक्टिम पर बात करेगा? एक तो मैं है ना, सबसे पहले तो आपसे एक गुजारिश करूंगा, और ये सत्येंद्र से भी बोलूंगा और यहाँ खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल वालों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको यहाँ होना चाहिए था। एक तो दूसरा ये कि आपने मेरा जिक्र किया, मैं अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दूं।
देखिए, आपने असहमति जताई मेरे किसी विचार से. मेरे गुरु डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मुझसे आप असहमत हों, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा. मेरी पीड़ा दूसरे तरह की है. 20 बरस एक अच्छे अखबार में मध्य प्रदेश से पत्रकारिता शुरू करके, अब वो मैं अपना प्रोफाइल बताऊं आपको तो वो लाजमी नहीं होगा, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, मैं तो खामोश हो चुका था. 20 बरस एक अच्छे संस्थान में, 10 बरस आज तक जैसे बड़े चैनल में नौकरी करने के बाद मैं फिल्म राइटिंग में चला गया या राइटिंग में चला गया, तो आपको उस फ्रस्ट्रेशन को समझना होगा कि क्यों ऐसा हुआ, कि मैंने क्यों उस मीडियम को छोड़ा. वजह यह होती है कि जब आपकी जड़ें जिस तरह से पोषित होती हैं, जो आप परंपराएं देखते आते हैं, जो आप चलन देखते आते हैं, उस चलन से जब आप चीज़ों को भटकते देखते हैं या आप अपना स्पेस नहीं पाते हैं उस जगह पर, तब आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं. मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अगर मेरे ही चैनल में केदारनाथ सिंह के देहांत की खबर या उन्हें ज्ञानपीठ दिए जाने की खबर स्लग में निकल जाए तो सोचिए मेरे मुझे क्या पीड़ा होगी. और कहीं जो मैं पहले नोट से कह रहा हूँ, जब मुझसे पहली बार पूछा गया, और मेरी पीड़ा एक ये भी है, मैंने पहले बोला आपसे कि अब मैं मीडिया की तरह से मुखातिब नहीं हूँ आपसे, मैं आप ही का प्रतिनिधि बनकर बैठा हूँ. मैं अपने शहर पर यह तोहमत क्यों लूँ कि मेरा शहर जल रहा है, मैं अपने ऊपर ये तोहमत क्यों लूँ कि मेरी समीर से नहीं बन रही है, समीर अपने ऊपर ये तोहमत क्यों ले कि उसकी आलोक से नहीं बन रही, जबकि कर रहे हैं चंद जाहिल लोग. ठीक है, मेरा स्टैंड ये है, मेरा थोड़ा सा पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा शायराना भी है, वो आप कल देखेंगे. तो सवाल ये है, ये आलोक जी ने इसके साथ टीजर दे दिया आपको, अब कल के लिए भी कुछ बचा के रखिए. अगला सवाल नहीं, मैं बस एक आखिरी बात कह दूं कि मैंने जहां पत्रकारिता शुरू की थी और जहां आज से 20-21 बरस पहले मैं प्रिंट की और स्याही की खुशबू सूंघा करता था और एक प्रतिबद्धता को देखा करता था, तो वहाँ मैंने एक शेर कहा था और वो अपने जर्नलिस्ट दोस्तों की तरफ से ही कहा था कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते. सो माय नेम इज संदीप एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू एनीबडी इन द ऑगस्ट पैनल, बट आई'd लाइक टू स्टार्ट विद मिस्टर प्रखर. आई एम सॉरी, माई हिंदी इज नॉट सो गुड, सो आई होप यू कैन. So I'll take some random examples because the title is Media Dharm or Dharm in Media. So I think about 3 or 4 years back, a prominent headline came, I think in Telegraph. I'm citing these instances just to get your, you know, opinion and your analysis on whether these things constitute Dharm in Media. So one very renowned journalist who happens to be the wife of your Mr. 2002 reporter, so she tweeted about Shri Mohan Bhagwat, who was giving some lecture on some function, that, you know, oh, those chaddis must be providing great air conditioning. This was her tweet. Second, you have perhaps the face of everything that is wrong with the Indian media, a blogger named Chaitanya Kunte, more than 10 years, 10, 12 years back. He's sitting somewhere in the Netherlands, and this face of everything that is wrong with the media sends him a legal notice because he wrote a blog post criticizing her coverage of the 26/11 attack in Mumbai. The same person also acts as a fixer, let's call it by its real name, for ministerial births. And then you have a recent headline in the Deccan Chronicle, which actually says, it's the front page headline, how to avoid getting, I'm just paraphrasing it, it's not the exact headline, how to avoid getting caught by the police when you're protesting against anti-CAA. And then you have another famous headline, front page headline by Telegraph, which beats all of them hands down, referring to Smriti Irani as anti-national. So I would like to
all of you, I mean, starting with you, Mr. Prakhar, on whether this constitutes dharma and media, and how that these things have gone on unpunished for so long. Thank you. आपकी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है ना, ये जो लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे पे तोहमतें लगा रहे हैं हम, वो इधर से अटैक कर रहा है, वो इधर से अटैक कर रहा है, इस पे लेबलिंग हो गई, उस पे लेबलिंग हो गई, ये इस तरफ का है, ये उस तरफ का है, ये शुरुआत कहीं और से हुई है. हम आँखें बंद करके बैठे हुए, हम ध्यान ही नहीं देना चाह रहे शुरुआत कहाँ से हुई है. ये शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है. अब जो सामने, जब आप किसी चीज़ को, जो जेएनयू के एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी तबके को, एक खास को दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे. आज अभी बात कर रहे थे समीर, उन्होंने बात की लड़की का सर फोड़ा. अरे वैलेंटिना लड़की नहीं है क्या? लड़का है. वैलेंटिना लड़की ही नहीं है ना, लड़की है ना. तो दिक्कत यही है कि हम जब एक की बात करते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते हैं. दिक्कत ये है. तो ये जो शुरुआत है ना, ये कहीं और से हुई है. और मैं बार बार न्यूज़ रूम में आ रहा हूँ, और मैंने अपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैंने लोगों को देखा ये बोलते हुए, जिसने आपने चड्डी शब्द का इस्तेमाल किया, पहले जो होता था. और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सीनियर्स होते थे, बैठते थे, यार ये लड़का काम अच्छा कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना यार, चड्डी ना हो यार, ये निक्कर ना हो. मतलब चड्डी निक्कर खाकी, ये गाली बना दी आपने. एक विचारधारा जो देश पर राज कर रही है, आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे. अरे मैं किसी भी विचारधारा को हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने लेनिन पढ़ा, मैंने मार्क्स पढ़ा, जितना पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ेंगे ना तो आप निक्कर हो गए. अरे किसी विचार, किसी किताब से निकले विचार आज देश पर राज कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए. मैं कहता हूं आपको मैन काम भी पढ़ना चाहिए. पढ़ने से क्यों रोकते हैं अपने आप को? आप अपना विचार बनाइए, वो गलत है, वो सही है, वो आप तय कीजिए. तो शुरुआत जो है ये कहीं और से हुई है. पहला पत्थर किसी और ने मारा है. अब क्या हो रहा है कि जब दोनों तरफ से हो रही है, तो आप एक ही को टारगेट कर रहे हैं. बात वही है, सबको उस अंधेरी रात के साबरमती के नकाबपोश दिख रहे हैं. किसी को पेरियार में पत्थर फेंकने वाले नकाबपोश नहीं दिख रहे. बस मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें दोनों दिखने चाहिए. हमें दिन के नकाबपोश भी दिखने चाहिए और हमें रात के भी नकाबपोश दिखने चाहिए. और जो भी गुंडागर्दी करे उसके खिलाफ देश के कानून के हिसाब से काम होना चाहिए. इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नैरेटिव की. नैरेटिव जब हम आप अपने मन में सेट करके बैठ जाएंगे, तो फिर हमें या तो सिर्फ लेफ्ट का दिखेगा या फिर सिर्फ राइट का दिखेगा, हम बीच का नहीं देख पाएंगे. तो हमें बहुत ही बैलेंस्ड होके, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने पेशे के साथ ईमानदारी करेंगे. पत्रकारिता के पेशे के साथ ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भले ही आप किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हो, आप किसी भी पार्टी को वोट करते हो, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता. अगर आप स्क्रीन पर हैं, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस वक्त आपको अपना धर्म जो है वो याद रखना चाहिए, पत्रकारिता का धर्म. और उसमें आपकी अपनी पर्सनल विचारधारा, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, वो आड़े नहीं आनी चाहिए. और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप पत्रकारिता का धर्म सही तरीके से मेरे हिसाब से निभा पाएंगे. मुझे लगता है अब अपनी असहमतियों पर हमें सहमत होकर समापन की ओर बढ़ना चाहिए. कैन आई टेक अ मिनट प्लीज? जी. एक्चुअली क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग संदीप जी, बिकॉज आपने जो चार एग्जांपल्स लिए, दे वर नॉट एग्जांपल्स ऑफ फेक न्यूज ऑल्सो दैट कैन हैव एनी पेनल्टी. बिकॉज आई स्टार्टेड माई टॉक विद द नीड फॉर रेगुलेशन एज अपोज टू सेल्फ रेगुलेशन. सी द थिंग इज, वन स्कूल ऑफ थॉट and one kind of people have monopolized the media for far too long, which is where the social media has played a role in breaking that monopoly. Jo aapne examples ginaye, mujhe aisa lagta hai ki unka reply can be that the other side should get equal space, should get space in a prominent publication, and it should be read as wisely as the other columns has uska way out ye hai ki ऑल्टरनेट मीडिया पब्लिकेशंस हो और उनकी रीडरशिप अच्छी हो और उन वॉइसेस को दबाया ना जाए, ये उसका है. आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज, दिस इज़ नॉट फेक न्यूज़ एग्जैक्टली, दिस इज़ बेसिकली
cringe-worthy or unethical, you know, some unethical practices. Unethical practices से मुझे नहीं पता कि कैसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, but उनका जवाब जरूर होना चाहिए, उसके लिए alternate media spaces होने चाहिए. Swati, I have a question for you. Just maybe you want to elaborate your point a little bit, but this is the problem that I'm facing, right? The problem that I'm facing is you're saying that both sides need to have an equal platform to express their views. But what if one side is saying, I don't agree with you, so it's my way or the highway, otherwise I'm going to burn a car? Or what if I'm trying to ask, where are the facts? Where in the bare text? What are you arguing? What do you do in that situation? The question is that, can you repeat it? The question is, when you're giving space for two sides to give a balanced view, what if one side is not giving you that balanced view that you are asking for again and again? Okay, you mean... how do you regulate that? Because you're talking about regulation. Like you must have faced it on the ground when you were asking... All over. Actually, sorry, I really didn't get you. Like regulation, as in... you're saying that the other, like, the other side is not giving you the answers. Like you are... They're not putting their arguments across despite you asking them. They're not putting their narrative across in a factual or objective way. Huh, that's right, actually. Yeah, that's a very good point, because sometimes it happens with us also, because in our story, we are looking for the other side, the alternate view, but agar wo nahi aa raha hai, toh hum kya karenge? Toh humari report automatically biased or skewed lagegi hi, because we don't have the right points or people to talk to from the other side. That's what you mean, right? So, I mean, I think there are always people from both sides willing to talk. I've never really faced this problem. Maybe in the debate shows you do. I do agree that, see, right now there's also a risk attached to the kind of voices you want to present in your show, because career ko threaten, that's what you mean, right? They tell you that career ko risk ho jayega, humko community se, matlab jaise as a, like you were made to leave those WhatsApp groups and those community groups, so wahan pe bhi ek risk aa jata hai. So ye sab to hai, but as more media shows, wo bhi problem dhe rahe ho jayega. Abhi ek nascent stage par hai. Alternative media abhi bhi ek nascent stage par hai. Koi bahut evolved nahi hai. But dhere dhere jaise platforms badhenge aur unko milegi, unko matlab space milega, to wo badhega. I mean, this is something we have to deal with at present. Lack of voices on one side, but it will grow. Swati, I have a question that, you know, what do you mean by the alternative media? Because India is a country which has a very flourishing media industry. When you say the alternative media, means what? The media which only voices your side of opinion, is it the alternative media? Or because the idea of perfect balance is a utopian idea. You know, nobody can have a perfect balance. Perfect balance because, you know, every aggrieved party, because if something incident has happened, then the aggrieved party would think that my idea should be reflected. And since I am the aggrieved party, I should get the maximum advantage. So this idea of a perfect balance, you know, telling the side, the story on the either side, this will always be lopsided from a different perspective. See, when I say, okay, I've been in print media for quite some time, and it was a fact that for far too long, there was a monopoly of certain people and a certain school of thought on the media. People, newspapers didn't really disagree with each other. They kind of agreed with each other. Ek hi type ki news aapko sab mein milti thi. Koi bahut difference bhi nahi hota tha. Alternate media, abhi, in fact, I switched over to digital media, which I can say is alternate media. You know, you'll be surprised that a lot of what I do remains exclusive simply because others don't want to do it. Like ek case hai, usko as coordinated, jaise koi effort hota hai, usko sab carry karte hain. Aur you find it in, like let's say start with TOI, and wo pura newspapers aur sab websites wagera mein aa jayega. But the kind of cases, let's say I do, they remain exclusive. Like aur koi usko pick nahi karta hai. Ek aad website jo hoti hai, wo usko curate kar leti hai, par aisa hota nahi hai. Isliye alternate media space, main isliye bol rahi hoon usko, kyunki एक टाइप की न्यूज़ आपको 50 जगह मिल जाती है, एक कहीं नहीं. मैं जब अपने केसेस जो मैं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज़ आई वांट टू शो दैट फॉर एवरी अखलाक देर इज़ अ भरत
Yadav case, or every Junaid, there is a Devendra Balhara case. But why is it that Junaid Khan, एक बार मैंने एक बार ये किया था, भरत यादव भी एक मथुरा का लस्सी सेलर था, उसको भी मारा था, उसके पांच पेजेस में जाकर पहला रिजल्ट आता है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर केस में और किसी का नाम है तो, जैसे वो झारखंड में जो वो था ना अंसारी, तबरेज अंसारी, उसके आपको 17 पेजेस के रिजल्ट दिखते रहेंगे. सो देयर इज नो बैलेंस, व्हिच इज व्हाई आई कॉल इट अल्टरनेट मीडिया. बड़ी गंभीर और बड़ी सार्थक बहस है, और मुझे लगता है जिस देश में लोगों को भोजन के वक्त तक उनके पास इतने सवाल हो, वहाँ कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी थम नहीं सकती है. तो ये सवाल यूं ही चलते रहेंगे, और यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की. हमेशा हम सही ठहरें, अना ऐसी गलत होगी. आलोक साहब से माफ़ी के साथ, कहीं गलती हो सकती है, उन्हीं का शेर है, हमेशा हम सही ठहरें, अना ऐसी गलत होगी, हमेशा हम गलत ठहरें, सजा ये भी गलत होगी. तो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बहस होती रहे उसकी सेहत के लिए अच्छा है, और असहमतियों की गुंजाइश बनी रहे वो उसकी खूबसूरती के लिए अच्छा है. हमारे तमाम जो पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छी बहस की उन्होंने, और सबको धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत चर्चा के लिए. आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया इतने धैर्यपूर्ण तरीके से सुनने के लिए और इन सवालों के लिए.